भगवान इससे बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने देखा कि आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था और जैसे हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया था ये उससे 300,000 साल पहले ही हो गया था। तो भगवान को इससे खुशी नहीं होती और उनका मानना था कि इंसान इस वक्त आग पाने के काबिल नहीं है, तो वो अपने सेवक को उन पर हल्के से फूंक मारने के लिए कहते हैं जिससे वहाँ तेज हवा आती है और उस हवा से सारी मशालें बुझ जाती है और उसी टाइम पर इंसानों की सारी चिंगारी कट कर दी जाती है। अब आप सोचो अगर इंसानों ने सच में वक्त से 300,000 साल पहले ही आग जलाना सीख लिया होता तो क्या हम अब भी इंसान रहते या हमें मशीनों ने रिप्लेस कर दिया होता? शायद भगवान सही थे, पर जब भगवान देखते हैं कि इस वक्त इंसान कितने मूर्ख है तो वो बोर हो जाते हैं और अपने सेवक को ऑर्डर देते हैं कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे सारे इंसान अपनी गुफा में चले जाए। तभी सेवक अपना हाथ उठा के एक जगह पॉइंट करता है और हाथियों का झुंड इंसानों के पीछे पड़ जाता है जिससे वो तेजी से भागकर अपनी गुफा में लौट जाते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि ये देखकर भगवान की हंसी निकल जाएगी। और जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी पर 100 साल के बराबर होता है और भगवान के सिर्फ एक पेज पलटते ही इंसानों को सालों तक सूखे का सामना करना पड़ता है जिससे इंसान धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और जिंदा रहने के लिए वो लोग अपनी गुफा से बाहर आ रहे थे।